नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। मैरवा में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर बीती रात में चनिया दी दुर्गा मंदिर के पास एक मकान में चोरों ने गोदरेज की अलमीरा तोड़कर 13 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित विनय कुमार जायसवाल ने बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से वो शाम को घर में ताला लगाकर अपने ससुराल गोदाम रोड में रहने के लिए चले गए। शनिवार की सुबह जब अपने घर वापस आए तो देखा कि रूम और अलमीरा का दरवाजा टूटा हुआ मिला। घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमीरा में रखे कैश 13 लाख रुपए गायब मिले। चोरी की घटना ही को सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की चर्चा करने लगे। चोरी की घटना आए दिन होती है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीड़ित इस वारदात की मैरवा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि जांच चल रही है, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैरवा से राजू कुमार की रिपोर्ट। जिसे मतलब कि अथी से खाली तोड़ लिया है। आप लोग देखे कि वही देखा है ये लोग, ये सबको आप लोग रखे हो कि वही वही सब वही सब किया। अंदर चाबी कहाँ था? मतलब दीजा हमारे घर पे सुनते हैं, यहाँ कोई नहीं था। नहीं, यहाँ कोई नहीं था, वहाँ पे लोग है, जो भी कुछ है ठीक, ये सब काटा है, क्या होता है कुछ कौन पे है। चलो इसको इसको ऊपर से घुसा है ना, इसी में घुसा है। क्या था इसमें? 13 लाख रुपए कैश। 13 लाख रूम में आप लोग 13 लाख रखते हैं और घर खाली करके छोड़ देते हैं? अरे 10-20 हजार ताला अभी मारे हैं क्या? नहीं, तो फिर वो घुसा किधर से? इधर से आया ना। नीचे क्या था? नीचे से वो अलमीरा में कुछ होता है। ले लिया है उसको। हाई दरवाजा था। ठीक, यही मतलब दो मैं ऐसे किया है। हाँ नगद का यही काटा है। रूम है चलिए ठीक। खुला था ना? खुला था, नहीं किया। अच्छा, मोटा पैसा है। लैपटॉप में सब फोड़ देगा, सब लैपटॉप और लैपटॉप नहीं है। भाई साहब आप खुले हैं कि इसमें पैसा था? 40,000 रुपया रखा हुआ, साड़ी में लपटा हुआ। ऐसे मिल गया, दूसरा कोई काम ही नहीं किया। क्या क्या चोरी हुआ है? 13 लाख रुपया चोरी हुआ है। सिर्फ कैश जी? सामान वामान भी गायब हुआ है? ना, सामान भी। देखो पता चला आपको? सुबह है, रात में चोरी हुआ है? रात में चोरी। कहाँ थे आप? ससुराल थे। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार।